गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको लग रहा होगा कि मैं स्नैपचैट के इसमें हूँ, कैमरा में। बिल्कुल भी नहीं गाइस, मैं अपने नॉर्मल कैमरा में हूँ। ये कुछ नया सा आ गया है, कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मम्मी। कैसी लग रही हूँ मैं इसमें फ्रेम में? अच्छी लग रही हो बहुत ज्यादा। तो ये जो फ्रेम है ना, ये मैंने अभी नया करवाया है। चश्मा मैंने बताया था ना टूट गया था, मेरा चश्मा नहीं बताया था तो अब बता देती हूँ। मेरा चश्मा एक्चुअली टूट गया था। और कैसे टूटा था? एक बार तो ये बैठ गई थी उसके ऊपर और एक बार दूसरी बार फिर ये बैठ गया था, तो मेरे चश्मे का सत्यानाश हो गया था। तो मैंने काफी सारे काम करवाए हैं। मेरा चश्मा मैंने लेंस कार्ड से फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ लिया है। पता नहीं कैसा लग रहा है, बहुत महंगे महंगे थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे बहुत पसंद आया ये चश्मा, मम्मी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, मैंने एक बैग पैक कर लिया है, जाने का एक बैग पैक हो चुका है। अब बाकी की जब पैकिंग करूंगी तो आपको शो करूंगी। उसमें इसने अपने चश्मे रख दिए एक, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा लास्ट टाइम हम ट्रीट रिजॉर्ट गए थे तो इसने बाथरूम में चश्मे गिरा दिए थे, वो ब्रेकआउट हो गए थे, टूट गए थे। और फिर ये उसको उससे लगा लगा के, क्या बोलते हैं, फेविक्विक से लगा लगा के इसने मंगवाया। हाँ, और कहीं बाहर चले जाओ ना तो ये सब चीजों की बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे नंबर बहुत है तो मुझे बहुत ध्यान रखना। अगर चश्मे को कुछ हुआ तो बंदी गई काम से। तो ऐसे रखे होते हैं, मुझे ऐसे से करना पड़ता है, डार्क बैकग्राउंड पे रखे होते हैं। तो मतलब इंसान ये कुछ और करे ना करे, लेकिन अपना चश्मा इसको जरूर समय से मैनेज करना पड़ता है। तो बस ऐसे वाली बात है। तो इसीलिए मैंने भी अब दो कर लिए हुए हैं। ये आज मेरा लेंस कार्ड का है, और दूसरा जो मेरा सेम फ्रेम आप मुझे पहने हुए देखते थे ना, तो उसके जो वो थे ना लेंस, वो तो ठीक ही थे ना। मेरा नंबर बढ़ा नहीं है, मैंने चेक करवाया है, मुझे बहुत माइनर सा नंबर है। वो कांच वगैरह जो लेंस थे वो ठीक थे, तो मैंने सेम वही फ्रेम में उसको फिट करवा लिया। तो मेरे दो हो गए। हाँ। तो अब मैं दो लेके जा रही हूँ। इधर दो, नहीं ये खाना बनाने जा रहे हैं पापा। इधर दोपहर का खाना बचा नहीं है, तो हमारा बावर्ची बोल रहा है, पति बावर्ची बन गया और बोल रहा है कि मैं खाना बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ गरम गरम पुलाव खाते हैं आज। ना, मैं नहीं जा रहा। प्लीज, पापा, पापा प्लीज, पापा आई लव यू। ये देखो ये मस्का जा पटाले पापा को, पट जाए दो इनको पटाना बहुत मुश्किल है गाइज। एक बार अगर किसी चीज पे अड़ गए ना, बहुत जिद्दी है यार, सच्ची में बहुत जिद्दी है। आज एक्चुअली ना दोपहर का खाना दोपहर को ही खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं, हम सब कुछ चट कर गए, क्योंकि इन लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। जो भी बना दूं एक ही टाइम में चट कर जाते हैं। कल मॉर्निंग में मिलेंगे, यहीं से वो ब्लॉग कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी मैं, है ना। बिकॉज अभी मुझे नहीं पता मैं दोबारा शूटिंग करूंगी या नहीं, बिकॉज मेरे को अभी दो वीडियोज भी शूट करने हैं, जो कि करने काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करना है मुझे। और मैं जा रही हूँ ना, जब जाना होता है कहीं ऐसे तो मैं चाहती हूँ फैमिली के साथ थोड़ा हॉलीडे एंजॉय करूँ। तो जो भी मेरे काम है वो मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो या तो मैं आपको मिलूंगी और या तो फिर मैं कल मिलूंगी। चलिए मम्मा, जाई तो रही पिशा के साथ घुमत की जाई। मम्मा पिशा को ये क्यों गिरा दिया तुमने, ये क्यों गिरा दिया मेरा प्यारा सा फ्लावर पॉट? लाइटिंग ऑन करो ना, इसकी बहुत अच्छी लगती है इसकी लाइटिंग। मुझे कितना गंदा कर रखा है तुमने यहाँ पे, देखो ना प्रिशा, तुमने भी अपना सामान डाला हुआ है दुनिया भर का। और यहाँ पे कपड़े देखिए फोल्ड किए हुए, आधे रखे हैं और आधे फोल्ड करने बाकी हैं। हाँ चलत रही ना, बछुआ को रुलात नहीं रही। आप जाओ प्रिशा को भी चक्कर लगा के लाओ और लेके भी आओ बेटा। कटे हम सुबह से बहुत थके हैं ना, आज मैं बहुत बार जा रहा देखो बाप बेटे का झगड़ा देखा है कभी आपने ऐसा बाप बेटे का झगड़ा? हमेशा देखिए मेरे घर का लाइव झगड़ा, बाप बेटे का लाइव झगड़ा। क्या हो गया आज कैमरा पे, क्या हो गया कैमरा पे आज, बाप बेटे लाइव लड़ पड़े। बचुआ ओ हमार बचुआ तो क्या किसी और का बचुआ ना, क्यों नहीं सुनात रही सुनत रही? आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। गुस्सा निकाल रहे हैं मेरी तरफ देख के, मतलब अब ऐसे ये फीलिंग्स है तुम्हारे, इनर फीलिंग्स मेरे लिए कितने झूठे हो तुम, मर्दों का कोई विश्वास नहीं, कहते कुछ और है मन में होता कुछ और है। कुछ हो जाने मन तुम कमाल करती हो, आ जाने मन तुम कमाल करती हो। तो ये है हमारा नेक्स्ट डे,
कल मैं फिर आपसे बात ही नहीं कर पाई थी, और कुछ बस अभी पैकिंग वगैरह करने वाली हूँ, तो कुछ चीज़ें निकाल के रखी हैं जो कि मुझे बैग में रखनी है, एकदम नई है, तो चलो पहले आपको दिखा देती हूँ फिर रखती हूँ बैग में। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, ये देखिए कोई लाइट नहीं है, और मैं अभी बोलूं तो जस्ट अभी अभी फ्रेशन अप होके आई। नो, मैंने अभी बात नहीं लिया है, इस टाइम पे कौन बात लेगा, ठंड बहुत हो रही है। लेकिन मैं बस अपने हाथ मुंह पांव धो के आई हूँ, जैसे कि शाम को थोड़ा सा फ्रेश होने की आदत है। कहीं जा रहे हैं और न्यू ईयर के लिए, मतलब न्यू ईयर पे हम लोग यहाँ नहीं है, तो बस अभी पैकिंग जोर शोर से शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा ही काम बाकी है। जब तक जाओ ना तब तक कुछ ना कुछ मार्केट का काम निकलता रहता है, तो अभी आराम से निकलेंगे और बस थोड़ा बहुत शॉपिंग है। विवेक को भी कुछ लेना है अपना इनर वेयर वगैरह, तो यहाँ तो दुकानें 8:30-9 बजे तक अभी खुलती हैं, अभी तो 7:15 हुए हैं, तो आपसे बात करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। और फिर मैं कहा चलो बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा खा भी लेंगे, और मुझे भी थोड़ा सा काम का प्रेशर है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो बाहर ही खा के आ जाएंगे, इसको भी पुलाव पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो बस इसीलिए। तो ये मेरे आज ही सॉक्स आए हैं, बहुत प्यारे सॉक्स हैं, ये देखिए पूरे गर्म सॉक्स हैं, जिस हिसाब से अभी ठंड चल रही है ना, तो यहाँ पे पूरा वेलवेट लगा हुआ है, और बाहर से तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से पूरा का पूरा ये गर्म वेलवेट जैसा है, पूरा गर्म वेलवेट दिखाई दे रहा है। देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है। आज मेरी कुछ चीजें आई हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है, क्योंकि ठंड यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही है और हम जहाँ पे जा रहे हैं हो सकता है कि हमें भी कहीं ठंड मिले, तो फिर तैयारी तो करके जानी ही पड़ती है। तो कुछ चीजें मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी आ गई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं सॉक्स पहन लूँ, पाँव में लोशन लगाया मैंने अभी अभी, मैं लोशन दिन में 2 बार अप्लाई करती हूँ या कभी कभी 3 बार। अब जैसे कि इवनिंग में अप्लाई कर लिया, एक बार मॉर्निंग में किया था नहाने के बाद, तो एक बार रात को हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स हो जाएगा, विंटर्स में 3 टाइम्स हो जाता है मेरा। यही रीजन है कि देखिए कहीं पे भी बॉडी पे ड्राइनेस नहीं लगती है। देखिए कुछ ज्यादा ही वार्म है ये, मैंने इसके साथ ये बूट कट पैंट पहनी है, पूरा आउटफिट ब्लैक पहना हुआ है, और ये वही जैकेट है जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, ये भी गर्म है, और इसके बारे में भी आप लोगों ने पूछा था कि कहां से लिए, मैं भी बताती हूँ। तो ये कितने गर्म सॉक्स हैं आप खुद ही देख लो, एकदम गर्म है विंटर्स के हिसाब से, अंदर से ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड हीटर हो ना जैसे, एकदम वार्मनेस आ गई पहनते के साथ। तुम्हारे वाले बहुत गर्म है यार अंदर से, तो मैंने पहन के देखा, इट्स रियली वार्म। अंदर से ना इट्स लाइक वेलवेट, मतलब क्या बोलूं, वेलवेट नहीं है, वार्म है एकदम, बहुत ही अंदर से गर्म है, वार्म है। मुझे तो मम्मी की जैकेट भी बहुत पसंद आई है, ये मुझसे मांगती रहती है, मैंने कहा चल मैं एक आध बार पहन लू फिर वॉश करके तुझे दे दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे एक बार पहन लिया है और वॉश नहीं हुई अभी, वूलन ऐसे भी बार बार वॉश नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं इसे वॉश करके। मैं तो मम्मी को कह रही थी कि मेरे लिए ऐसी एक मंगाई, ये थोड़ा मम्मी मुझसे ज्यादा पतली है सच बोलूंगी, तो मुझे एक साइज बिगड़ चाहिए, तो मैंने कहा मम्मी को कि मेरे को इसमें एक और मंगा दो और हम दोनों साथ में पहनेंगे। तो हमारी दोनों की पैकिंग चल रही है, हम रोज कुछ ना कुछ थोड़ा 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 काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बस निकलना है, तो बस काम हमारा निपटने वाला है, अभी बाहर जा रहे हैं। और तुम आज मैं पहनूंगी ये वाले में से कोई एक, ये 3 का सेट भी मम्मी ने मंगाया है, क्योंकि शूज वूज पहनेंगे तो यार सॉक्स तो चाहिए। ये थोड़े कॉटन टाइप के हैं, और ये जो है वो जो मैंने आपको दिखाया ये पूरे बहुत गर्म है, वूलन वो बिल्कुल गर्म है और बहुत ज्यादा रीजनेबल है, ये इनका प्राइस बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ते है। तो ये वाले भी मैंने मंगवाए हैं, ये 3 का सेट है, ये फ्लोरल है और ये इसको बहुत पसंद आया, और ये बहुत अच्छे लगते हैं स्नीकर वगैरह के अंदर पहन लो ना तो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और ये बिल्कुल ठंडी के हिसाब से परफेक्ट है, ये वाले जो मैंने पहने हुए इस वक्त, मुझे इतना वार्म लग रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे, मैं सोचू यहाँ इतनी ठंड है तो उधर कितनी होगी दिल्ली साइड और दूसरी जगह पे यार, मतलब जितने मम्मी ने ऑर्डर करे उससे ये वाला बहुत पसंद है। ये सॉक्स फिर जाने के लिए रख लो, इसे कल क्यों पहनना, इसे जाने के लिए रख लो फिर, ठीक है ना। अभी तुम ये वाले पहन लो और बाकी जो दूसरे हैं वो पहन लो, बस विंटर्स की कुछ चीजें मंगाई क्योंकि अभी तो विंटर्स ही चल रहे हैं, और जब बाहर जाने का नाम आता है तो याद आता है ये लेना है वो लेना है ये लेना है वो लेना है, तो हमारे सॉक्स तो आ गए हुए हैं, अच्छे बहुत अच्छे हैं, जिन्हें भी पसंद ना हो कि भाई शूज में से सॉक्स दिख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, ये देखो इसमें जरा नहीं पता चलता कि आपने सॉक्स भी पहन रखे, शूज ही आ जाते हैं ऊपर डायरेक्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्वीट बहुत अच्छे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, ये वाली जैकेट के लिए जब मैंने वीडियो में पहना था, कौन से वीडियो में पहना था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये जैकेट आपने कहाँ से ली है, तो ये जैकेट मैंने अमेजोन से मंगवाई है, बहुत गर्म है, मैं सच बोलूं तो अंदर पूरा फर लगा हुआ है, मतलब जैसा मैंने सॉक्स में दिखाया आपको, बहुत ही वार्म है, ये आपको देखने में लग रही है कि टी शर्ट टाइप जैकेट है, हॉजरी मटेरियल है, लेकिन एक्चुअली ये अंदर से पूरा ऐसा मटेरियल है, पूरा का पूरा गर्म मटेरियल है, और इसकी कॉस्ट माई गॉड यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगी, आप देख लीजिए कि इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ही सस्ती है जिस हिसाब से ये जैकेट इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये मैंने अमेजोन से ली थी, इसके लिए बहुत कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने पूछा ही मैंने
कहाँ से लिया, तो अमेजोन की है, बहुत बढ़िया है, इसको मैं कई बार पहन चुकी हूँ, आपने देख लिया मुझे पहने हुए, और अब मैं इन विंटर्स इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, काफी अच्छी है, पूरा चेन लगा हुआ है आगे, काफी सुंदर है ये, और सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने ना अभी विंटर्स स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, तो अभी अभी शुरू हुए हैं साउथ गुजरात में, तो अभी क्या होता है ना, बाहर जाओ ठंड तो लगती है, और वैसे भी हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, ऐसा बच्चों के साथ हम ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, चाहे मैं हूं या बच्चे हैं, चीजें तो चाहिए ही। और इस बार मैंने पहली बार ऐसी कैप मंगवाई, बाकी मैं जनरली ऐसी कैप मेरे पास नहीं है, लेकिन इस बार मेरा मन किया, पूरा वोलन है, बहुत रीजनेबल है ये भी, इसका भी प्राइस यहाँ पे लिख दूंगी आपको, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, सब लोग पूछते हैं फिर दीदी कितने का था आपने बताया नहीं, तो ये बहुत बहुत गर्म है, पूरी की पूरी काफी बड़ी सी कैप है, मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ कैसी लगूंगी आप बताना, क्योंकि एकदम से ऐसे है ना यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो आई डोंट नो मैं कैसे लगने वाली हूँ, लेकिन मन करता है, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे ऐसे कुछ कपड़े वेयर करो अच्छा लगता है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो क्रिसमस न्यू ईयर पे ऐसा सब पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे रेड चाहिए था, इसमें कलर्स शायद वहां पे और भी थे आई थिंक, तो ये भी अमेजोन का है, जितनी भी चीजें मैंने अमेजोन से ही मंगवाई है सारी। और मैंने कैसे मंगवाई है, मैंने ऐसे नहीं मंगवाई कि डायरेक्ट ऑर्डर कर दूं, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर करूंगी तो मुझे सिर्फ वही ऑफर मिलेगा जो अमेजोन पे चल रहा होगा, मैंने इसे कैश करो के थ्रू मंगवाया है। कैश करो से मैं अक्सर शॉपिंग करती हूं और आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं पहले भी वीडियोस, जैसे कि मैंने मेरा इनर वेयर मंगवाया था, इसके अलावा कुछ कुर्ती मंगवाई थी, एक बार कुछ गाउन्स वगैरह मंगवाए थे, तो यहां पे आपको 1500 प्लस वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे मिंत्र है, अमेजोन है, अजियो है, ममार्थ है, बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे 1500 प्लस वेबसाइट, तो आप समझ लो फायदा क्या है कैश करो से शॉपिंग करने का डायरेक्ट ना करके। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे कि सपोज अभी अमेजोन पे कुछ सेल चल रहा है, क्या सेल चल रहा है मैं यहाँ फ्लैश कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आपको सपोज वहां पे जो भी ऑफर मिल रहा है, मतलब अमेजोन पे जैसे कि कुछ कूपन कोड चल रहे हैं या कुछ 70% ऑफ चल रहा है या 50% ऑफ चल रहा है, अप टू 40% ऑफ चल रहा है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है अगर आप अमेजोन पे जाके शॉपिंग करोगे। कैश करो से शॉपिंग करने का क्या फायदा है, आपको वो डिस्काउंट तो मिलेगा ही जो कि वेबसाइट पे चल रहा है, एज वेल एज कैश करो एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप वहां से शॉपिंग करोगे तो आपको कैशबैक मिलना ही मिलना है, वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो हो गई ना कितनी अच्छी बात, मतलब आपने एक तरह से अर्निंग कर ली शॉपिंग करते करते, ये हो जाता है कैश करो से शॉपिंग करने का, डबल फायदा हो जाता है ना, क्योंकि आपको वेबसाइट पे भी डिस्काउंट मिल रहा है और आपको कैश करो से भी आपको कैशबैक मिल रहा है। और ये कैशबैक ऐसा नहीं है, मतलब आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो एज अ रियल मनी, तो यही हुआ ना अर्निंग ही हुआ ना, मतलब शॉपिंग करते करते आप अर्निंग कर रहे हो, क्योंकि एज अ रियल मनी यू कैन ट्रांसफर इट टू योर बैंक अकाउंट। उसमें कुछ होता है, मैं आपको भी जर्नी दिखाती हूँ ना, तब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कि आपको कब आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैंने ये लिया हुआ है, सब विंटर्स की चीजें हैं। ये सॉक्स मैंने आपको दिखा दी है, बहुत वार्म है, जिसमें कि दो पेयर लिए, एक मैंने पहन लिया, एक प्रिशा के लिए है। ठीक है, तो अभी हम जा भी रहे हैं तो मैंने कहा ये चीजें तो चाहिए चाहिए, अंदर से पूरा ऐसा है फर वाला, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, मैंने पहना हुआ है राइट ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है, इसका प्राइस भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये वाला प्राइस भी लिख दूंगी जो इसका एमआरपी कॉस्ट है, और कैश करो से मुझे कितने में पड़ा है मैं इधर भी लिख दूंगी। ठीक है, हर एक प्राइस हर एक प्रोडक्ट का, जैसे आपको एक आइडिया आ जाए। इसके बाद ये वाले सॉक्स भी परेशान है, आपको भी दिखा दिए, ये भी बहुत प्यारे हैं, ये थोड़े अलग तरह के, ये एंकल लेंथ है, जैसे कि हम स्नीकर वगैरह के नीचे पहन सकते हैं ना जहां हम जा रहे हैं, और स्नीकर तो पहनने ही पड़ेंगे ठंडी भी, और वैसे भी हम स्नीकर्स तो पहनते ही है ना, तो ये उसके लिए मैंने मंगवाए हैं। ये सब विंटर्स का स्टफ मंगवाया हुआ है। और इसके बाद में क्या है, ये ग्लव्स मैंने वुलन मंगवाए हुए हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हैं। यहाँ से शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों को मेरी बातें ऐसे समझ ना आ रही हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, छोटू सा एकदम, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है कैश करो। आपको क्या करना है, आपको नीचे से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है ना, वहां से डाउनलोड करना है, तो आपको मिलेगा तुरंत ही 25 रुपीज का कैश बोनस। तो चलो आप ये जल्दी देख लो, इसके बाद बाकी की चीजें दिखा देती हूं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक को आपको क्लिक करना है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो इसके बाद आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, आपको बस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वहां से इसके बाद ओपन करना है। तो आपको जैसे ही आप वहां पे रजिस्टर करेंगे ना, सब डिटेल डाल के आपको 25 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। इसके बाद आपको बहुत सारे वेबसाइट दिखाई देंगे, जिस भी वेबसाइट पे आपको जाना है, सपोज अमेजोन पे जाना है तो यहां जाइए, ये क्लिक कीजिए अमेजोन, इसके बाद ऑरेंज बटन को टैप कीजिए। इसके बाद जैसे आप शॉप करते हो, मतलब नॉर्मली आपको शॉपिंग करना है, ट्रांजेक्शन कर देना है, या अगर आपको कोई वीडियो
हमें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट के लिंक है, उसको स्पेशली क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। ऑरेंज बटन को क्लिक करना है, नॉर्मली जैसे शॉपिंग करते हो उस तरह से शॉपिंग कर लेना है, ऐड टू कार्ट करके ट्रांजेक्शन वगैरह कर देना है। इसके बाद में आपको माय अर्निंग सेक्शन पे जाना है, तो आपको यहाँ पे आपका जो कैशबैक है वो पेंडिंग दिखाएगा। एक बार जब कंफर्म हो जाएगा और 250 रुपीज़ से ऊपर हो जाएगा तो आप इसे रिडीम कर सकते हो एज अ रियल कैश, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो बैंक में। ग्लव्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत एकदम साइज भी परफेक्ट आया है ये, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। और इसके बाद में एक और लास्ट चीज है, तो कैसी लग रही है ये कैप, अच्छी लग रही है ना। विंटर्स के कपड़े पहनने का अपना एक अलग मजा होता है, कुछ भी है लेकिन ये सब पहनने का मजा ही अलग होता है। एक स्टॉल मैंने मंगवाया हुआ है जो कि बड़ा सुंदर है, देखिए इस तरह से है ये, थोड़ा सा वार्म भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा है, वार्म भी है। आप इसको एज अ स्टॉल ले सकते हो, एज अ क्या बोलूं मैं, गले में जैसे लेते हैं ना, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है, ऐसे ले सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से पूरा ऐसे डिजाइन है और अगर इसको हम इस तरह से ले तो ये पूरा दूसरा डिजाइन है, तो ये पूरा रिवर्सिबल है, कैसा लग रहा है। तो आपका काफी सारा पैसा बच जाएगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक रियल कैश। तो अगर आपको शॉपिंग करते करते अर्निंग करनी है ना, तो आप कर सकते हो कैश करो के थ्रू। नीचे आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे और आपको इस ऐप को डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आज से ही आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा डिस्काउंट जो मिल रहा है वेबसाइट पे उससे भी बचा सकते हैं और एक्स्ट्रा कैशबैक भी पा सकते हैं कैश करो के थ्रू शॉपिंग करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जैकेट से। इस जैकेट के बारे में सबने बहुत पूछा था, तो ये आप इसे ऊपर से इस तरह से ऊपर तक बंद कर सकते हो। ये काफ़ी गर्म है गाइस, देखने में ये जैसे लगती है ना नॉर्मल, लेकिन ये काफ़ी गर्म है। इसके बाद बात करते हैं इस स्टॉल की, तो ये स्टॉल बहुत ही सुंदर है, थोड़ा सा वार्म भी है और ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। ये रिवर्सिबल है और आप इसे किसी भी तरह से ट्राई कर सकते हो, गले में इस तरह से या फिर इस तरह से, ये तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से आप ट्राई करोगे बहुत प्यारे लगोगे। साथ ही साथ ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, कैप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग काइंड ऑफ डिज़ाइन है और साथों साथ सॉक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको मेरा, मैं बिल्कुल विंटर रेडी हो चुकी हूँ मेरे वेकेशन के लिए, कैसा लगा मेरा विंटर कलेक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बोलूँगी कि आप एटलीस्ट एक बार तो ट्रांजेक्शन ज़रूर कीजिए कैश करो के थ्रू, कम से कम आप एक बार से यूज़ करके देखिए, आप खुद मान जाएंगे कि हाँ भाई बहुत सारा पैसा बच जाता है, काफ़ी सारा कैशबैक मिल जाता है। यानी आपको ना कैशबैक दे रहा है एक्स्ट्रा मनी टू शॉप ऑनलाइन, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करेंगे तो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग क्यों वेट करते हैं डिस्काउंट्स का, इसीलिए तो वेट करते हैं कि भाई जब कोई डिस्काउंट आए उस टाइम पे हम लोग कुछ बाय करें, क्यों, क्योंकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, डबल डबल फ़ायदा हो रहा है कि आपको वो वाला डिस्काउंट भी मिल रहा है जो कोई भी वेबसाइट पर चल रहा है और आपको कैश करो कैशबैक भी दे रहा है। तो विंटर्स में कैसे मजे आ रहे हैं, मजे कर रहे हो आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना। चलिए तो अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं, मजा करके आते हैं, घूम के आते हैं और एक दो चीजों की शॉपिंग भी करनी है, कुछ खाने का स्टफ भी लेना है वहां ले जाने के लिए, और छोटे छोटे काम होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, मतलब जाने से पहले कुछ ना कुछ तो रहता ही है, या तो ये या तो वो, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। तो बस हम लोग भी वही करने के लिए जा रहे हैं बाहर। तो चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी जो भी खरीदी थी, अब यहाँ से थोड़ा बहुत सा मैनेज कर देती हूँ क्योंकि सब ऐसे वैसे पड़ा हुआ है। ये प्रिशा पढ़ रही थी, इसकी बुक्स पड़ी हैं, कुछ बेडशीट्स मैं मार्केट से लेके आई थी, एक्चुअली लोकल मार्केट से ली थी मैंने। घर में बेडशीट हर दूसरे तीसरे महीने में ऐड कर देती हूँ थोड़ी बहुत, थोड़ा सा नया नया बिछाना अच्छा लगता है बस इसीलिए। और मुझे जयपुरी प्रिंट यानी जो राजस्थानी प्रिंट की चादरें होती हैं अच्छी लगती हैं, मैं काफ़ी मुझे बहुत पसंद है राजस्थानी प्रिंट, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था काफ़ी दिन से। तो एक दो चादरें मुझे पसंद आई थी वो मैं लेके आई थी और बस मैंने कहा प्रिशा मुझे पानी पिला दो बेटा, कई बार काम करते करते ध्यान ही नहीं रहता पानी भी पीने का। तो बस अब हम लोग निकलेंगे बाहर, रोज़ हम थोड़ा 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 पैकिंग कर रहे हैं और बेसिकली हम जो जा रहे हैं वो मेनली न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी तक हम नहीं निकले हैं क्रिसमस के लिए, नहीं बट क्रिसमस तो हो चुका है, न्यू ईयर के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस इसीलिए जोर शोर से अब तैयारी शुरू हो चुकी है और दिखाऊंगी आपको पैकिंग करते टाइम भी। चले जा रहे हैं बाहर, कुछ खिलाओगे ना? खिलाऊंगा, पिलाऊंगा। पिलाओगे, क्या पिलाओगे? पानी नहीं, कॉफी, कॉफी, कॉफी या चाय, बस इनको कॉफी चाय ही पसंद है। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग और
कुछ लोग को लगता भी होगा कि दीदी तो बहुत सारी शॉपिंग करती रहती हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है तो ना चाहते हुए भी इंसान बहुत सारी शॉपिंग करता है। और प्रिशा बोल रही है कि मुझ पे चश्मे कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैंने भी सोच लिया, डिसाइड अभी से कर लिया कि मैं जब मेरी बर्थडे के टाइम पे करवाऊंगी तो मैं ऐसे ही करवाऊंगी। आज ना ऑयली ऑयली हो रहे हैं मेरे बाल, जहाँ दो दिन हो जाते हैं ना धोए हुए ऑयल निकल आता है। किसी के ना कमेंट आया था कि दीदी आप अपना बन कैसे बनाते हो, बहुत प्यारा लगता है। ये अच्छा लगता है, ये कुछ भी नहीं है गाइस, ये मैंने खाली इसको ये किया हुआ है, क्लच में बांधा हुआ है, दैट्स इट, बालों को घुमा। मम्मी ना क्या करती है, बाल घुमाती है ऐसे, पहले क्लच में अटैच कर लेती है, फिर ऐसे करके नीचे का थोड़ा सा अटैच करती है, तो ऊपर से फ्लफी फ्लफी ले जाती है। या और ऊपर से थोड़ा मम्मी ऐसे पफ टाइप कर देती है, जैसे ऊपर से ऐसे फूले लगे ना जाते हैं। जाने का मन कर रहा है हमारा, देखते हैं। मेरा पर्स क्या क्या लेना है, पर्स मेरा कौन सा वाला लूँ? ये ले लो, ये वॉलेट ले लो, तो इसमें से पैसे निकाल के इसमें रख दे। चलिए फिर कार में से मिलते हैं फाइनली। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, पाव भाजी और पुलाव, अभी को पुलाव खाना था। आपने कल रात भी देखा था ना, इसी ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो ये बहुत ज़िद कर रहा था पुलाव खाने की और हम लोग इसको नहीं लेके गए थे, कल घर पे ही खाया था हमने, तो इसको बहुत मन कर रहा था। यहाँ का पुलाव काफ़ी फेमस है, पाव भाजी और पुलाव, नॉवल्टी पाव भाजी और पुलाव नवसारी में बहुत फेमस है। तो मैं कहा चलो इसको खिला देते हैं, नहीं तो जान खा जाएगा, आज तो ये रहने ही नहीं देगा। तो बस वही खाने के लिए हम लोग आ गए हैं, घर जाके मिलती हूँ आपसे। घर पे अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और पति देव ने अपनी जगह ले ली है क्योंकि ये ऑन करने जा रहे हैं टीवी, और हमने आज इन्हें वार्निंग दे दी है, लाइट जलाओ बड़ी वाली। हमने आज कह दिया है कि आपके वजह से 10:30 तक का टाइम है, नहीं 10:30 तक चलना है। हाँ मतलब हमने इनको वार्निंग दिया है कि आज पूरी फैमिली अंदर रूम में बैठेगी, म्यूजिक सुनेगी ब्लूटूथ स्पीकर पे, का है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, बस उसके ऊपर हमें सॉन्ग सुनने हैं। और ठंडी तो हो रही है वैसे, लेकिन हम लोग ले आए हुए हैं ये ले आए हैं पीने के लिए, क्योंकि हमने पुलाव के बाद हमें नहीं पछता खाना, हमें कोक पीना ही पड़ता है। हाँ हमने खाई है पाव भाजी पुलाव, और विवेक ने तो अपना वही, विवेक ने देसी खाना खाया है। विवेक हमारे जो है ना, हमारे पति देव एकदम देसी देसी इंसान है, हमारे पति देव, हमारे पति देव को बाजरा का रोट लो, बाजरा बाजरी का रोटला यानी बाजरे की रोटी और बैंगन की सब्जी, नहीं तो रवैया भरेला भी खाना। हाँ वो खाया इन्होंने, भरे आरेंगे ने पता चलता है, हिंदी में बोलता हूँ मैं स्टफ बैंगन, वो बैंगन आता ना उसपे तुम लोग जो भरते हैं ना स्टफ, स्टफ ब्रिंजल, स्टफ ब्रिंजल ना। और भी कुछ नाम होता है ना बैंगन का, एक प्लांट वो बड़ा वाला बैंगन का होता है, बड़ा वाला बोलते हैं। तो आज पति देव बीवी जी की सेवा करेंगे, मतलब सेवा इन द सेंस बीवी जी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज मेरा मन रोज टाइम स्पेंड करता हूँ 24 घंटे घर में, तो आपके हिसाब से तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करता। नहीं कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, हंस रहा है देखो बेटा मेरा, ये घर में रहते हैं लेकिन ये टीवी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बीवी के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते। टीवी और बीवी सेम ही होती मेरे लिए तो। खबर लू कैमरा बंद, ये क्या कह दिया आज पति देव ने ऑन कैमरा। हाँ ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती यार विवेक, हटो ना भाई ना हटो, चली मैं मेरी मम्मी के घर, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाऊंगी तो सौतन में ले आऊंगा। ओ बच्चा पार्टी कुछ बोलोगे नहीं? ओ पापा ये क्या बोल रहे हो? तुम मैं के मत जाइयो मेरी जान, हाय हाय देखा तुम मैं के मत जाइयो। उन्होंने बोला मत जाना मायके, और लाख मार रहे पीछे से कर रहे हैं। देखो वहां से हम जहाँ घूमने जा रहे हैं ना, वहां से आते ही चली मम्मी के पास, 2 महीने से पहले नहीं आऊंगी देखो तुम। अब हाँ तुम अच्छा आपके सामने ऐसे कर रहे हैं, और अकेले में जब मैंने बोला तो कह रहे थे नहीं 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 रुचि 15 दिन से ज्यादा मत जाना, और ये 15 दिन भी नहीं जाने देंगे, देखना आप ये मेरे साथ मेरे पीछे भी आएंगे, इनको मैं सब जानती हूँ, इनसे अकेले नहीं रह जाता, क्योंकि अगर मम्मी जाएगी तो मैं और अभी तो शर्ली जाएंगे। बिल्कुल अकेले करेंगे क्या, हो क्या करोगे बताओ, टीवी देख देख के भी बोर हो जाओगे, जो बात बीवी में है ना वो टीवी में नहीं है। हाँ कह देते हैं हम, सही बात है। हाँ हम जीते जागते इंसान है, वो निर्जीव चीज है,
बीवी से टीवी का कोई मुकाबला नहीं। तो रेवड़ी आई हुई है मम्मी के यहाँ से, तो अब हम सोच रहे हैं कि बैठें रजाई में पाँव डाल के थोड़ा कुछ एंजॉय करें, ब्लूटूथ पे गाने सुने अंदर रूम में। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करूंगी और अब हमारी पैकिंग शुरू होगी कल से जबरदस्त तरीके से। नो डाउट हमने काफी सारी कर भी ली है, हमने दो बैग पैक कर दिए, एक थोड़ा बहुत बाकी है उसमें से, उसकी एक कंप्लीट है और उसमें भी एक चीज तो अभी ऊपर से रखनी पड़ेगी। हाँ मतलब ऑलमोस्ट जितना हो रहा है उतना मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि एक साथ करने बैठू तो मुझे हो जाती है बहुत ज्यादा दिक्कत, मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट किया है, फिनिश कर दूंगी बहुत जल्दी। और ये वेट कर रहे हैं कि मैं कैमरा ऑफ करूं तो इनका टीवी ऑन हो। नो टीवी ओनली बीवी। बोलो हम टीवी पे एक अच्छी मूवी लगा सकते हैं इनको ना। नहीं फिर तो ये बैठ जाएंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। फैमिली टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं, हमने बीच में भी कितने दिनों साथ में मूवीज देखते थे, है ना। नो फिल्म्स साथ में बैठेंगे यहाँ पे। नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे, हम अंदर बैठेंगे, इतने तेज है ये बिग बॉस की वजह से यहाँ बिठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कट्टी ऐसा ना हो गए, ऐसा ही हो गए है। गुड नाइट करे है, कैमरा ऑफ करे है, शुभ रात्रि, बेडरूम में जाके बातें करे है सब पूरी फैमिली। नानी देखे ना, फिर नानी हमें डांटे है, नानी की मिमिक्री कर रहे हो आप लोग। हाँ मेरी मम्मी ऐसे बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी बात कर रहे हैं ना। हाँ दीदी एक सबूत है मेरे पास, मम्मी को बताई दे। चलो गुड नाइट करो, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी विंटर्स, शबा खैर। आई थिंक सब लोग अपने घर में ऐसे ही विंटर्स में एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ तो ठंड कम है, जहाँ ठंड ज्यादा होगी सब रजाई में घुसे हुए होंगे रात के टाइम, है ना, खाना खाने के बाद तो और ज्यादा ठंड लगती है। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय। सो आपसे बाय करने के बाद हमारा डिसाइड हुआ है कि हम यहीं बैठ के एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। तो बस अभी वही डिस्कशन चल रहा है कि भाई सब लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं, अपनी अपनी नाइट ड्रेस में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे हमारी महफिल जमेगी रजाई डाल के। बाकी की जो पैकिंग है वो करेंगे कल, आपको शो करूँगी पैकिंग करते हुए। चलिए गुड नाइट, व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।